दोस्तों यहाँ जिस तरह लिखा हुआ डीबी ब्रिज, ये है बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत का घर। कंगना रनावत जो ना इसी बिल्डिंग में वह रहती है। यह घर मुंबई के खारबेस्ट इलाके में पड़ता है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप किससे अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख रखा है, आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं? तो जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत का घर। दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कंगना रनावत का घर कहाँ पर है, उनके घर का नाम क्या है, पूरा एड्रेस के साथ हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे और कंगना रनावत के हम बायोग्राफी के बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताएंगे। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम आपको सीधे लेके चलते हैं मुंबई में, जहाँ पे रहती हैं कंगना रनावत जी। तो चलेगा वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं मुंबई के खारबेस्ट इलाके में। ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ना, ये बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत का घर। कंगना रनावत जो ना इसी बिल्डिंग में वह रहती है, जो कि इस घर की प्राइस है 20 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा यहाँ पे हर एक बालकनी में ग्रीनरी है। और यहाँ पे सेकेंड गेट ये है, फर्स्ट गेट इसके आगे है। और इस घर का नाम क्या है, मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ, डीबी ब्रिज। देख सकते हैं डीबी ब्रिज इस घर का नाम है। और इसी बिल्डिंग में कंगना रनावत जी रहती है, मेन गेट यही है। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यह बिल्डिंग है। आपको बता दें इसी बिल्डिंग में जो ना परिणीति चोपड़ा भी रहती है, जो कि अभी हाल ही में वो शिफ्ट हुई हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कंगना रनावत जी का घर और उनके हम बायोग्राफी के बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कंगना रनावत जो ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री, इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। मॉडल से अभिनेत्री बनी कंगना का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। गैंगस्टर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली कंगना ने अब तक कई बड़ी हिट फिल्में दी। कंगना रनावत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरदीप रनौत है, माता का नाम आशा रनौत है। उनके पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन थे और माँ आशा रनौत एक स्कूल टीचर। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रंगोली रनौत है, अब वो कंगना रनौत की मैनेजर है। कंगना रनौत का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अक्षत रनौत है। कंगना के दादाजी एक आईएएस ऑफिसर थे। कंगना रनौत की अगर एजुकेशन की अगर बात करें ना, तो मैं आपको बता दें इनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से हुई है। यह बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसीलिए इनके परिवार की इच्छा थी कि ये डायरेक्टर बने, जिसके कारण इन पर पढ़ाई का और दबाव पड़ा था। लेकिन 12वीं में वह केमिस्ट्री की यूनिट टेस्ट में फेल हो गई और तभी से रनौत ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देने की बजाय अपने करियर को पुनः निर्धारित करने की ठानी। इसके बाद कुछ समय के लिए वह 16 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गई। उस समय वह मेडिकल की क्षेत्र में जानी जाती थी। आपको बता दें कंगना रनौत की अगर करियर की अगर बात करें ना, इसके बाद कंगना ने एक्टिंग पर ध्यान देने की थानी और अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई, जहां डायरेक्टर अरविंद गौर ने उन्हें प्रशिक्षित किया था। कंगना रनौत ने साल 2006 में आई थिएटर फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। इसके बाद 2006 में आई फिल्म वो लम्हे में उन्होंने एक भावुक किरदार की भूमिका निभाई। इसके बाद लाइफ इन मेट्रो साल 2006 और फैशन 2008 जैसी उन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की राष्ट्रीय अवार्ड और इसी श्रेणी में उन्हें एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। कंगना रनौत एक से बढ़कर एक फिल्में दी। इसके बाद उन्होंने ऋतिक रोशन की साइंस पिक्चर फिल्म क्रिस 3 2013 में एक उत्वर्ती जंतु का किरदार निभाया था, जो बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म में से एक है। 2014 में आई फिल्म क्वीन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 2015 में कंगना रनौत ने तन्नु वेडस मन्नू रिटर्न्स में ड्यूल रोल निभाया, जो किसी भी महिला की सबसे सफलतम बॉलीवुड फिल्म रही। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन और झांसी की रानी के जीवन की कठिनाइयों पर आधारित यह फिल्म
उनके साहस को दर्शाती है। इस फिल्म में कंगना रनावत मुख्य किरदार की झांसी की रानी के रूप में नजर आई थी। तो गाइस देख सकते हैं यही है बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत का घर। कंगना रनावत जो ना इसी बिल्डिंग में वह रहती है जो कि इस घर का नाम है डीबी ब्रिज। यह घर मुंबई के खारवेस्ट इलाके में पड़ता है। आपको बता दें इसी बिल्डिंग में ना परिणीति चोपड़ा भी रहती है। तो दोस्तों यही है कंगना रनावत जी का घर जो कि मुंबई के खारवेस्ट इलाके में पड़ता है और इस घर का नाम है डीवी ब्रिज। सो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पर आप हमारे नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी गाइस प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। सो गाइस आज के लिए ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग डी। तब तक के लिए ओके बाय।